नमस्कार, मैं शालू तोमर और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी 24 न्यूज। फिरोजाबाद में पंजाबी समाज द्वारा आज बैशाखी पर्व पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे पर बैशाखी पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुद्वारे में पहुंचकर सभी पंजाबी समाज के लोगों ने चोरा चढ़ाकर अरदास की और बताया कि इस पर्व को कैसे मनाया जाता है। वही कार्यक्रम में सभी को प्रसाद वितरण भी किया गया। जब फसल कटती है तो पूरे पंजाब में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में पंजाब के साथ साथ बैशाखी का पर्व बड़े जोर शोरों से मनाया जा रहा है। फिरोजाबाद में भी स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे पर बैशाखी पर्व को लेकर पंजाबी समाज के लोगों ने गुरुद्वारे में पहुंचकर चोला चढ़ाया और अरदास भी की और बताया कि यह बैशाखी का पर्व अलग अलग नामों से भी भारत देश के प्रांतों में मनाया जाता है। यह पर्व बहुत ही बड़ा पर्व है और इसे सभी लोग बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं और प्रसाद भी वितरण करते हैं। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़ा हर्ष का विषय है, शहर फिरोजाबाद में बैसाखी पर्व मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। परसों 12/4/2018 को सुबह 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई, उसके बाद में निशान साहब जिसको हिंदी में बोलते हैं चोला साहब चढ़ाया गया। आज 14 तारीख सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहिब की समाप्ति हुई, उपरांत 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रोग्राम कीर्तन का चला, जिसमें गुड़गावा से भाई गगनदीप सिंह जी के द्वारा कीर्तन किया गया। बैसाखी का पर्व जो मनाते हैं, बेसिकली ये 1699 में हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक खालसा साधना दिवस की स्थापना की। 1699 ईस्वी में अमृतपान करा के खालसा साधना दिवस मनाया गया। इस रूप में भी हम लोग आज बैसाखी का पर्व मनाते हैं। दूसरा, आज पंजाब के सारे इलाके में आज के दिन रबी की फसल, गेहूं की फसल पीली दिखती है, यानी उनकी पक जाती है फसल, तो उनको बड़ा हर्ष का विषय होता है उनके लिए। इस पर्व में पंजाब में भी इसको बैसाखी के पर्व में रबी की फसल के रूप में मनाया जाता है। और हमारे दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु केरल के अंदर और हमारे तमिलनाडु केरल के अंदर इसको पीहू के नाम से जाना जाता है, और हमारे पश्चिम बंगाल में पहला मिस पीला उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके प्रकार से उनको बंगाल में पीलू पहला के नाम से वहाँ बैसाखी का पर्व मनाते हैं, और अपने यहाँ पे बैसाखी का पर्व मनाते हैं। खालसा साजना दिवस के रूप में हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और हमारे फिरोजाबाद के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग अपने 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे सिख कौम के लिए बहुत ही गर्व वाला आज का दिन है। इस विषय में मैं सारी समूह संगत को, सभी फिरोजाबाद के समूह भाइयों को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ, वाहिगुरु जी की फतेह। आज प्यारी साध संगत जी को और देशवासियों को मैं बैसाखी दियाँ लख लख बधाई दे दियाँ। और आज हमारे देश में बड़े धूमधाम से गुरुद्वारे MG रोड पे बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। एडमिशन ओपन SHJ मॉडर्न स्कूल CBSE पैटर्न के साथ, जहां आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वच्छ वातावरण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लासेस, कन्वेंस फैसिलिटी, अनुभवी शिक्षक एवं बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। क्लास प्लेवे टू 8 SHJ मॉडर्न स्कूल, लेन नंबर 7, सरस्वती नगर, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9719022116, 9259725111। डायरेक्टर ओम प्रकाश शर्मा। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा हेतु अब खुल चुका है किड्स कैंपस स्कूल, जिसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बेहतर शिक्षा व खुला वातावरण बच्चों को दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पीने के लिए RO वाटर, खेलने के लिए ग्राउंड व आकर्षक कक्षाएँ बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। मुख्य रूप से बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है। किड्स कैंपस स्कूल, महावीर नगर, गली नंबर 2, अंबेडकर पार्क के सामने, फिरोजाबाद। संपर्क करें 7055956933, 7617676876।
आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अब दूर नहीं जाना होगा। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में आरबी कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बेहतर शिक्षा व खुला वातावरण बच्चों को दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पीने के लिए आरओ वाटर, खेलने के लिए ग्राउंड व आकर्षक कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास हो सके। प्रवेश प्रारंभ कक्षा प्लेवे से 8 तक आरबी कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर नंबर 3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद। संपर्क सूत्र डायरेक्टर अखिल यादव 9458567811, प्राचार्य श्वेता जैन 9045645583।